हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग किस प्रकार से यूको बैंक में अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो। मैं आप लोग को पूरी डिटेल से वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, जब भी आप लोग यूको बैंक का मोबाइल नंबर चेंज करने का फॉर्म भरोगे, उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर दो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ साथ मैं आप लोग को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोग को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो नेम ऑफ ब्रांच। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना ब्रांच शाखा का नाम लिखना है जहां पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवाया है। ब्रांच का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे आप लोगों को कस्टमर आईडी लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को कस्टमर आईडी नहीं पता है तो आप लोग अपने पासबुक में देख सकते हो, पासबुक में कस्टमर आईडी दिया रहता है। उसके बाद इसी के नीचे दोस्तों आप लोगों को अपना पूरा नाम लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो आधार नंबर और पैन नंबर लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को अपना आधार नंबर लिख देना है। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास पैन नंबर अगर नहीं है तो आप लोग इस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो खाता संख्या अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोग अकाउंट नंबर दोगे वो सही सही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नीचे आ जाना है। आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो बेस ब्रांच। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को बेस ब्रांच में भी जो आप लोगों ने ऊपर जो ब्रांच का नाम लिखा है अपना, वही नाम आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों से पूछा गया है मौजूदा मोबाइल नंबर। जो आप लोगों के पास जो पुराना मोबाइल नंबर था उसे यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। पहले दोस्तों आप लोगों को इंडिया का ISD कोड लिख देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को ही देख के आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो आप लोगों का पुराना वाला जो मोबाइल नंबर था ओल्ड वाला, वो लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसी के नीचे देख सकते हो आप लोगों से यहाँ पर नया मोबाइल नंबर लिखने के लिए कहा गया है। जो भी आप लोग अपने बैंक अकाउंट में अभी चेंज कराना चाहते हो, अपडेट कराना चाहते हो, यहाँ पर आप लोगों को ISD नंबर लिख देना है जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है, और यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, नया मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है इसी के नीचे, जो आप लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हो, किस कारण से चेंज कराना चाहते हो, खो गया है या बंद हो चुका है, आप लोगों को यहाँ पर रीजन लिख देना है। अगर आप लोगों को रीजन नहीं लिखना है, इस लाइन को वैसे ही आप लोगों को छोड़ देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है एड्रेस डिटेल पर। और दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप लोग एड्रेस दोगे एज पर आधार दोगे, जो भी आप लोगों के आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग यहाँ पर लिखें। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना फ्लैट नंबर मकान नंबर लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रीट रोड का नाम लिख देना है। अब आप लोगों से पूछा गया है एरिया लोकेलिटी, आप लोग कौन से एरिया में रहते हो, उस एरिया का यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है लैंडमार्क, जहां पर आप लोग रहते हो वहां पर कोई मंदिर या स्कूल है तो आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे आ जाना है नगर सिटी पर, आप लोग कौन से शहर में रहते हो उस शहर का यहाँ पर नाम लिख देना है। इसी के नीचे आप लोगों से पूछा गया कि आप लोग कौन से स्टेट में राज्य में रहते हो, उस राज्य का आप लोगों को नाम लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना कंट्री का नाम लिखने के लिए कहा गया है। और अंतिम में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को अपना एरिया का पिन कोड लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, जो आप लोग अभी तक बैंक में करते आ रहे हो वही साइन आप लोग यहाँ पर करें। अगर आप लोग अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पर आप लोग अपना अंगूठा लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे आप लोगों को डेट लिखना होगा, तारीख लिखना होगा, जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे उस दिन का। इतना ही दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में भरना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जब भी आप लोग बैंक जाओगे तो इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी,
अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की फोटो कॉपी और पासबुक की फोटो कॉपी अटैच करके बैंक में जमा कर देना है। और बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो कितना दिनों में चेंज हो जाता है, लिंक हो जाता है बैंक अकाउंट से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 1 से लेकर 7 दिन का समय लगता है, और ये आप लोग के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप लोग के मोबाइल नंबर को कितना जल्दी चेंज करके आपके बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं। और इस फॉर्म से संबंधित फिर अन्य बैंकिंग संबंधित अगर आप लोग के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।